नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व अब बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में देश भर में इसे लेकर कई तरह की तैयारी आरंभ हो चुकी है। लोग अपने घर में मौजूद बाल गोपाल का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि जन्माष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन पूजा के रूप में भगवान कृष्ण का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। लोग बाल कृष्ण के लिए नए कपड़े खरीद कर लाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। आमतौर पर इस दिन कृष्णा को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये रंग उनका प्रिय होता है। इसके अलावा उन्हें मोर मुकुट और बांसुरी भी दी जाती है। इस दौरान उनके लिए एक पालना सजाया जाता है। इसके ऊपर बैठकर ही उनके दर्शन किए जाते हैं। आमतौर पर रात 12 बजे कृष्ण जी के इस जन्म उत्सव को मनाया जाता है, इसलिए उनकी पूजा भी रात्रि में ही होती है। आप सभी भी घर में पूजा करते होंगे या फिर मंदिर की पूजा में शामिल होते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा और आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा समाप्त होने के बाद यदि आप विशेष और छोटा सा यह काम कर देते हैं तो आपको दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और रुके हुए काम भी समय पर पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर आपको कौन सा वह काम करना है। कृष्ण जी और तुलसी माता का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। इन दोनों का दिवाली के बाद वाली जो एकादशी है उस समय इन्हें का विवाह कराया जाता है। इसे हम तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के अवसर पर यदि आप कृष्ण पूजा के बाद तुलसी माता को एक घी का दीपक लगा दें और कोई भी मनोकामना उस समय बोलें तो वह मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। खासकर जिन लोगों को प्रेम से संबंधित कोई समस्या हो या जीवन साथी नहीं मिल रहा, वो यदि ये उपाय करें तो उन्हें निश्चित ही लाभ मिलता है। और जब आप दिया जला रही हो तो उस समय आपको 11 बार इस मंत्र का भी जाप करना है। मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो रहा तो वे भी इस उपाय को आजमा सकते हैं। ये उपाय बहुत छोटा सा है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन इसे करके आप इसका कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।